नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज बात करूंगा सेल एवं बैटरी। दोस्तों सेल एवं बैटरी होती है, ये क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे तुम्हारे UPSLT 2, जैसे UPRV UNL, और भी दोस्तों ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं MPPCL है, DRDO है, DMRC है, जितने भी दोस्तों ये क्वेश्चन हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा इसमें सेल के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा दोस्तों? सेल क्या होता है, क्या नहीं होता है, और सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा सेल। किसकी बात करूंगा? सेल। दोस्तों सेल होते हैं हमारे दो प्रकार के सेल होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इसमें प्राथमिक शैल होता है। क्या होता है तुम्हारा दोस्तों? प्राथमिक शैल। और नंबर दो होता है, जैसे मैं बात करूँ इसमें द्वितीयक शैल। किसकी बात करूँ? द्वितीयक शैल। जो द्वितीयक शैल होता है इसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी शैल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी शैल। और प्राथमिक शैल को हम बोलते हैं प्राइमरी शैल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी शैल। जो प्राथमिक शैल होते हैं इन्हें एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा इन्हें चार्ज नहीं कर सकते हैं, या इन्हें क्या करें पुनः चार्जिंग करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। और जो तुम्हारा ये द्वितीयक शैल होता है इसे हम बार बार चार्ज कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी बार बार कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। ये जो शैल होता है इसे क्या पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है, पुनः चार्ज नहीं किया जाता है। और द्वितीयक शैल होता है इसे हम क्या करें पुनः चार्ज कर सकते हैं, पुनः चार्ज कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं चार्ज को आवेशित कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवेशित। और जो प्राथमिक शैल होते हैं, जैसे मैं बात करूँ इस प्राथमिक शैलों के अंतर्गत ही, इन्हें जो प्राथमिक सेल होते हैं ये क्या करते हैं केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में, या बोल सकते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ ये इसमें ये क्या करते हैं रासायनिक ऊर्जा को, क्या बोलते हैं? रासायनिक ऊर्जा बोल सकते हैं इसे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। किसमें करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। अब जैसे मैं बात करूं इसमें सेकेंडरी शैल की बात करूं, तो सेकेंडरी शैल होते हैं ये क्या करते हैं यानी वैद्युत ऊर्जा को किसमें करते हैं? वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, किसमें करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। यानी दोनों काम होते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें करता है? वैद्युत ऊर्जा में, ये दोनों काम होते हैं। ये होते हैं द्वितीयक शैल के यानी सेकेंडरी शैल के होते हैं। जो सेकेंडरी शैल होता है ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। अब जैसे मैं बात करूँ प्राथमिक शैल की, किसकी बात करूँ? प्राथमिक शैल क्या होता है? अब देखो ये इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया की एक दिशा में क्या करता है? कार्य करता है। लेकिन ये तुम्हारा द्वितीयक शैल होता है ये द्विदिशीय यानी बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया की द्विदिशीय दिशा में कार्य करता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं यानी उत्क्रमणीय शैल। क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय शैल। तो जैसे मैं बात करूँ ये क्या करता है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के एक दिशा में काम करता है, या बोल सकते हैं एक दिशा में कार्य करता है। और ये क्या करता है तुम्हारा जो द्वितीयक शैल होता है ये रासायनिक अभिक्रिया के द्विदिशीय या बोल सकते द्विदिशीय द्विदिशीय में कार्य करता है। अब जैसे मैं बात करूं यानी रासायनिक अभिक्रिया के एक दिशा में काम कर रहा है, एक दिशा में काम कर रहा है, क्या बोल सकते हैं? एक दिशा बोल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस सेल को जो प्राथमिक सेल होता है इसे हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय सेल। क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय सेल, अनुत्क्रमणीय सेल, यह हम बोल सकते हैं नॉन रिवर्सिबल सेल। क्या बोल सकते हैं? नॉन रिवर्सिबल सेल। ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया के द्विदिशीय दिशा में कार्य कर रहा है ये शैल, इसलिए इस शैल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों यानी उत्क्रमणीय शैल। क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय शैल।
इतनी बात जरूर समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों। अब जैसे मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत, जो प्राथमिक शैल का जो शिम्बल होता है वो किस कंडीशन से होता है, तो दोस्तों इसमें जो शिम्बल होता है शैल का शिम्बल इस कंडीशन से होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा शैल का शिम्बल, किसका हो गया तुम्हारा शैल का शिम्बल हो गया, क्या बोल सकते हैं संकेत हो गया। अब जैसे मैं बात करूं जैसे रासायनिक अभिक्रिया में द्वितीय कंडीशन उत्क्रमण शैल होता है, इसी कंडीशन से द्वितीयक शैल होता है ये, तो द्वितीयक शैल होता है तो द्वितीयक शैल का जो सिंबल होता है यानी कई शैलों को एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो हमारी बन जाती है बैटरी। तो इसी प्रकार जो द्वितीयक शैल आते हैं तुम्हारे बैटरी का उदाहरण बनता है इसमें, तो बैटरी होता है इसका जो सिंबल होता है द्वितीयक शैल का, तो कई शैलों को एक साथ हम मिला दें तो क्या बन जाएगी दोस्तों बैटरी बन जाएगी, क्या बन जाएगी बैटरी। तो ये किसका सिंबल होगा दोस्तों बैटरी का, किसका हो गया बैटरी का। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों। अब जैसे इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं और इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जो सेल है बैटरी है तो इनके जो इलेक्ट्रोड होते हैं क्या होते हैं इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसे मैं बात करूँगा इसी के अंतर्गत जो सेल हैं सेल के इलेक्ट्रोड होते हैं यानी इलेक्ट्रोड जो होते हैं उन्हें क्या क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोड होते हैं एक इलेक्ट्रोड होता है उसे बोलते हैं धनात्मक प्लेट या बोल सकते हैं धनात्मक छड़ होती है, दूसरी होती है ऋणात्मक छड़। जो तुम्हारी धनात्मक छड़ होती है उसे हम क्या बोलते हैं एनोड कहते हैं, क्या बोलते हैं एनोड। जो ऋणात्मक छड़ होती है उसे क्या बोलते हैं कैथोड बोलते हैं। तो हम बात करेंगे जैसे इलेक्ट्रोड की, क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोड या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड होता है। जो इलेक्ट्रोड होते हैं एक होता है धनात्मक इलेक्ट्रोड एक होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। तो जो धनात्मक होता है इसे बोलते हैं हम एनोड, क्या बोलते हैं एनोड। इसे क्या बोलते हैं कैथोड। नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रोड होते हैं दोस्तों कितने होते हैं सेल या बैटरी के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है तुम्हारा एनोड होता है, क्या होता है एनोड। जो एनोड होता है उसे क्या बोलते हैं धनात्मक, बैटरी के अंदर जो लगे होते हैं क्या होता है धनात्मक होता है। जो कैथोड होता है क्या होता है दोस्तों कैथोड, जो कैथोड होता है उसे क्या बोलते हैं ऋणात्मक बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऋणात्मक। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों। अब जैसे मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत, जैसे ये धनात्मक है ये क्या तुम्हारा ऋणात्मक है, यानी जैसे हमारा कोई शैल है, क्या दोस्तों ये शैल है, जैसे मैं शैल इसी कंडीशन से बना दूँ, जैसे ये हो गया हमारा शैल, तो इसका क्या एक टर्मिनल होगा और इसका अंदर का क्या होगा एक रेजिस्टेंस भी होगा और ये क्या है तुम्हारा शैल। तो इस कंडीशन से सेल है तो सेल के ये क्या तुम्हारे टर्मिनल हैं, जो तुम्हारे ये टर्मिनल निकले हुए हैं यहाँ से तो ये क्या होते हैं तुम्हारे इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोड, क्या बोलते हैं इन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो इलेक्ट्रोड होते हैं तुम्हारे ये होते हैं एक होता है पॉजिटिव और ये क्या होता है नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोड उसे क्या बोलते हैं हम एनोड कहते हैं, क्या बोलते हैं एनोड। इसे नेगेटिव होता है उसे क्या बोलते हैं कैथोड, क्या बोलते हैं कैथोड। और जैसे भी कोई भी सेल हो हमारा प्राथमिक सेल के अंतर्गत जो सेल आते हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया शुष्क सेल का, किसका ले लिया शुष्क सेल, इसका जो वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट होता है, कितना होता है 1.5 वोल्ट होता है। जैसे मैं बात करूँ इसके अंदर प्राथमिक सेल के अंतर्गत कौन कौन से सेल आते हैं, तो प्राथमिक सेल के अंतर्गत दोस्तों सेल आते हैं जैसे पूछ लिया जाता है इसमें सबसे पहले ये वोल्टैक सेल आता है, कौन सा आता है वोल्टैक सेल आता है, फिर इसके बाद आता है तुम्हारा डेनियल सेल आता है, फिर लैकलांच सेल आता है तुम्हारा, फिर आता है सिल्वर ऑक्साइड सेल आता है, बुनसन सेल आता है। और इसी प्रकार दोस्तों जो तुम्हारे बटन सेल भी होता है तो इसी के अंतर्गत दोस्तों आते हैं तुम्हारे प्राथमिक सेल होते हैं, क्या होते हैं प्राथमिक सेल होते हैं। जैसे सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आता है तुम्हारा जैसे आता है लेड एसिड सेल आता है, कौन सा आता है लेड एसिड, या बोलते हैं सीसा संचायक सेल भी कह देते हैं उसे। अब दोस्तों जितने भी जो सेल होते हैं तुम्हारे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा, यानी जो सेल होते हैं जो सेल कितने प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के नहीं होते हैं और उसी के अंतर्गत इसका सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल का इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल की प्रकृति कैसी होती है और सेल के जो धन प्लेट और ऋण प्लेट होती है जो छड़ होती हैं प्लेट की या इलेक्ट्रोड बोल देते हैं, तो इलेक्ट्रोड जो एनोड कैथोड होता है किस किस मटेरियल के बने होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी पे बात करूँगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। जय हिंद।